कुछ आपने आगे जाके फर्दर किया था? आप सही कह रहे हैं कि इन्होंने जो हमारे बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स थे, कम्युनिटी हॉल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक देन रही है, उन्होंने लोगों के लिए ये बनवाए थे, उनके आराम और उनकी आसाइश के लिए बनवाए थे। इससे पहले हमने देखा है कि जब भी यहाँ पे सिटी में शादियाँ होती थी, वो सड़क बंद करते थे, यहाँ से भी टेंट लगाते थे, उधर से भी, और ट्रैफिक बंद होता था उन दो दिन के लिए या एक दिन के लिए, ट्रैफिक उन सड़कों से नहीं गुजरता था, वहीं पे वो सड़क पर बैठ के शादी करते थे, या कोई गुजर जाता था तो उसकी मायत भी सड़क पे ही रखते थे। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये तहिया किया था कि हम लोगों के लिए कुछ करें। तो लोगों के लिए हमने ये किया कि हमने कम्युनिटी सेंटर्स बनाए। अब जबकि हमने देखा कि पिछले दिनों जबकि ये इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स में इन्होंने बूथ बनाए जो काउंट ये ना इलेक्शन के लिए, तो ठीक है इन्होंने रखे तो रखे। लेकिन उसके बाद हमें शिकायत आ गई बहुत सारी जगहों से कि जब इनको जो चाबियां वगैरह थी उन्होंने वार्ड ऑफिसर के हाथ दी, वार्ड ऑफिसर ने म्यूनसिपलिटी के एसएमसी के जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनके हवाले की। जब ये लोग उनके पास गए, कहा कि ये तो जो मस्जिद कमेटी होती है मोहल्ले में या मोहल्ले की कमेटी होती है उनके ये उनके पास हुआ करती थी, ताकि अगर कोई गुजर जाता था, क्योंकि वो रात के टाइम उस वक्त नहीं जा सकेंगे वार्ड ऑफिसर के पास या कमिश्नर साहब के पास या ऑफिस में जितने भी इसके ये होते हैं अथॉरिटीज़, तो इसलिए उन्होंने जो मोहल्ले कमेटियाँ होती थी उनके हवाले ये किया था। ये चाबियाँ वगैरह वही देख रेख भी करती थी और वही इसको संभालती भी थी, और वो इनसे पैसे नहीं लेती थी, खासकर जब कोई गुजर जाता था। और इसमें से मुझे बसंत बाग की शिकायत मिली, मुझे इसमें से क्या नाम है यहाँ अली कदल से शिकायत मिली, और इनमें से मुझे एक क्या नाम है इसका नहीं जालडगर से नहीं जालडगर के अलावा जो है जमाल वहाँ से भी, उन्होंने बाबा डैम से कि अब तो ये देते ही नहीं, इन्होंने इसको पर्सनल प्रॉपर्टी समझा। देखिए हकीकत यह है ये एसएमसी की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है यहाँ का सारा कुछ उन्होंने एसएमसी के हवाले किया है। एसएमसी का इसमें कोई हाथ नहीं है, इसमें हमने उस वक्त अपने जो एमएलए का जो सीडीएफ हुआ करता है, तो हमने सीडीएफ से ये खर्च किया है। कोई बड़ा बड़ा जो बहुत बड़े जो कुछ कम्युनिटी हॉल जिसमें 3 करोड़ 4 करोड़ रुपये, वो प्लानिंग में से हमने सेंक्शन करवाए, कुछ सीडीएफ में से दिया और कुछ प्लानिंग वालों ने हमें दिया, खासकर उन कम्युनिटी सेंटर्स के लिए। अब अफसोस की बात है, अब इन्होंने इसको पर्सनल प्रॉपर्टी समझा। मैंने कल एक ऑफिसर के साथ बात की, मैंने कहा ये आपका डिपार्टमेंट है, आपको यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। उसने मुझे कहा नहीं, ये डिपार्टमेंट इसलिए नहीं बना है कि हम सर्विस देंगे, हम अपनी वी आर सेलिंग आवर, उसके वर्ड्स यही थे कि वी आर सेलिंग आवर सर्विसेज, हमें अपनी जो सर्विस है हम बेचेंगे, वहाँ से पैसे लेंगे। तो हमने इनको ये सूद के लिए, इनको इनके पास ये पैसा, हमने इनकी प्रॉपर्टी बनवाने के लिए इनको इनके पास ये प्रॉपर्टी रहे उसके लिए हमने नहीं बनाई थी, हमने गरीबों के लिए बनाई थी, हमने उनके लिए बनाई थी ये, ताकि उनको कॉमन जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कोई ना मकान नहीं है, एक कमरा है, उनको फैसिलिटी रहे, इसलिए इसको बोलते हैं कम्युनिटी सेंटर। यानी कि ये कम्युनिटी के लिए होता था, गरीबों के लिए। अब इन्होंने इसको बिजनेस फैक्टर बनाया, इन्होंने इसको बिजनेस के लिए खोला है, इसको 10,000 20,000 30,000 रुपये लेते हैं, तो शेम है। और मैं गुजारिश करती हूँ जो इसके हायर अथॉरिटीज़ है, क्योंकि उन्होंने कहा यह हायर अथॉरिटी से आया है, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि अगर इसका नाम है कम्युनिटी सेंटर तो इसको कम्युनिटी के लिए ही रखिए, ताकि कम्युनिटी को इसे फ़ायदा मिले, और इसको बिज़नेस का एक आप बिज़नेस के लिए रखेंगे तो इट इज़ नॉट फॉर बिज़नेस। हमने ये बिज़नेस के लिए नहीं बनवाए थे, हमने लोगों की राहत के लिए बनवाए थे, अगर वो राहत के लिए रखेंगे तो ये ठीक है। शुक्रिया।